अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुक विद आरफा चैनल। और मैं हूँ आरफा और आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, पनीर का खीर। और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, पनीर मैंने यहाँ पे 200-250 ग्राम लिया है और पनीर को मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो ग्रेटेड पनीर मैंने ले लिया है और चाकू से मैंने काजू बादाम और पिस्ता को कट कर लिया। आप अपने मन मुताबिक जो भी आपको पसंद हो उस तरह के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मेरे पास 3 तरह के थे तो मैंने 3 ले लिए, ठीक है। तो चलिए इसे अब हम कैसे बनाएंगे आपको आगे दिखाते हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे, तो 2-3 उबाल आ जाएगा तो ही इसमें हम पनीर को शामिल करेंगे। तो दूध जो है हमारा 1/2 kg है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसे हम बॉईल कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह दूध में काफ़ी अच्छे से उबाल आ चुका है, तो थोड़ी देर और उबालेंगे इसको लो और हाई फ्लेम पे कर कर के, ठीक है। तो एक उबाल आ जाने के बाद इसे हम इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि दूध बिल्कुल चिपके नहीं, जले नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अब इसमें अब हम पनीर को शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पनीर को शामिल करते जाएंगे और चलाते भी जाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम पनीर को शामिल करेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से चलाते जाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। तो मैंने फ्लेम को अभी हाई पर कर लिया है। तो इसकी रेसिपी आप लोग भी एक बार घर पर ज़रूर बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। तो संडे भी है तो ज़रूर बनाएं, घर पे खाएं, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह मैंने 4 से 5 मिनट तक चलाया और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो फ्लेम को फिर से मैंने लो पर कर दिया है और इसमें ड्राई फ्रूट्स हम ऐड करेंगे। तो थोड़े से हम डालेंगे और बाकी जो है गार्निश के लिए रखेंगे। और अब हम शामिल करेंगे शक्कर 1/2 कप, आपको जितना मीठा पसंद हो उसी हिसाब से डालना, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है, उसी हिसाब से डालने, ठीक है। तो अब हम चलाएंगे लगातार। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, तो आप लोग को अगर पसंद आए तो संडे भी है, एक बार ज़रूर बनाएं। तो बड़े बच्चे सभी घर पर मौजूद होते हैं तो सभी को पसंद आएगी, ठीक है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी ये ठीक हो जाएगी उसके बाद हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, ठीक है। तो देखें माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और इसे अब हम सर्व करेंगे और चूल्हे को ऑफ कर लेते हैं क्योंकि ठंडा होने पे और गाढ़ी हो जाएगी। तो संडे है, ज़रूर बनाएं और बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो इसे मैं सर्व कर दूँगी और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।